हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आई एम बैक विथ अनदर प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो एंड आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ सैटर्न बाय GHC के कुछ प्रोडक्ट्स का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर उन पर प्रेस द बेल बटन सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी यू विल गेट द नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ सैटर्न बाय GHC जो कंपनी है, ये विमेन हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये सॉल्व करने में आपको हेल्प करेंगे एंड ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, हेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप इनको फ्री में कंसल्ट कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है आपको, जस्ट चैट विथ अस ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पर, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है एंड व्हाट्सएप पर आप इनके साथ कंसल्ट कर सकते हो जो भी आपका प्रॉब्लम है। गाइस, इनके वेबसाइट पे ना अभी सेल चल रहा है एंड यहाँ से आप बहुत अच्छे ऑफर में फेशियल टूल परचेज कर सकते हो अलॉन्ग विथ फेस सीरम। तो यहाँ पे आपको जेड रोलर, गुआ शा एंड सीरम तीनों का कॉम्बो मिल रहा है ओनली फॉर ₹799 विच इज़ अ गुड डील। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे इस फेशियल टूल को यूज करना है, तो आगे आपको वीडियो में दिख जाएगा। एंड यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, आपको जो भी चाहिए आप देख लेना एंड यहाँ से परचेज कर सकती हो। कमिंग टू द फर्स्ट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मेरे पास है सैटर्न बाय GHC का फेस टोनर एंड अभी मैं इसका जो भी की इंग्रेडिएंट है वो आपको दिखा देती हूँ। तो पहला जो की इंग्रेडिएंट है ये है PHA। PHA एक बहुत ही पावरफुल एक्सफोलिएटिंग एजेंट होता है जो कि आपकी स्किन को स्मूथ एंड रेडिएंट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके बाद है इसमें हाइलोरॉनिक एसिड। हाइलोरॉनिक एसिड क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को आपके जो फेस है उस पर ये होल्ड करता है एंड बहुत अच्छे से आपके फेस को हाइड्रेट करता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड इंग्रेडिएंट, तो इसमें है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड भी बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है एंड ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है एंड स्किन को काफ़ी ब्राइट करने में हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट, तो इसमें आपको मिलेगा अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड क्या करता है, ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। ऑल्सो ये जो साइन ऑफ एजिंग होता है उसको भी ये रिड्यूस करता है। बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो बहुत ही सिंपल सी पैकेजिंग है एंड ये 150 ml का बॉटल है, बहुत टाइम तक चल जाता है। जस्ट फ्यू ड्रॉप्स आपको अपने फेस पे लगाना होता है। तो आगे मैं आपको लगाकर भी दिखा देती हूँ कि कैसे इसको यूज करना है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लो विद द हेल्प ऑफ एनी फेस वॉश एंड देन जस्ट 4 और 5 ड्रॉप्स लेना है एंड इसको अपने फेस पे स्प्रेड कर लो एंड थोड़ा सा मसाज कर लो, दैट्स इट। एंड इसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज करती हो आप उसको अप्लाई कर लो। इससे क्या होता है कि आपका मॉइस्चराइज़र जो है वो बहुत अच्छे से स्किन पे काम करता है एंड आपकी स्किन को नरिश रखता है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ गुआ शा कैसे काम करता है एंड जेड रोलर कैसे यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने फेस पे कोई भी फेशियल ऑयल, मॉइस्चराइज़र या फिर सीरम आप ले लो एंड अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लो। देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ सैटर्न बाय GHC का जेड रोलर। यहाँ पे आपको दोनों साइड में रोलर मिलेगा, एक बड़ा वाला रोलर और एक छोटा वाला। तो आपको इस तरीके से इसको यूज करना है। सबसे पहले मैं नेक पे इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ले जा रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा सा मसाज हो जाता है, स्किन जेंटली मसाज हो जाता है। तो गाइस, कुछ इस तरीके से पूरे फेस पे इस जेड रोलर को यूज करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको इसको यूज करना है। एंड नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स, तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके जेड रोलर का। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये इम्प्रूव करता है स्किन इलास्टिसिटी को एंड बहुत अच्छे से पूरा फेस मसाज हो जाता है, जेंटली मसाज होता है, बहुत अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे जो छोटा वाला जो साइड है रोलर का, तो मैं इसको अपने आँखों पे यूज करती हूँ। इससे क्या होता है कि आँखों के ऊपर जो पफिनेस होता है, अंडर आई के पास जो पफिनेस होता है वो रिड्यूस होता है एंड बहुत काम की चीज़ है। आप स्किन केयर रूटीन में आप एक बार कोई भी फेशियल टूल यूज करो, आपको डिफरेंस खुद पता चलेगा। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि गुआ शा कैसे यूज करते हैं। तो ये भी सैटर्न बाय GHC का ही गुआ शा है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वाला स्टोन यूज किया है इन्होंने। तो इस टाइप से ये पूरा कर्व दिया रहता है एंड अभी देख लेते हैं इसको यूज कैसे करना है। तो सेम इसी तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में आपको आफ्टर अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र या फिर फेस एसेंशियल ऑयल आपको यूज करना है। गुआ शा यूज करने से जो आपका जॉ लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाता है। तो ये इंस्टेंट रिजल्ट नहीं शो करता, आपको अपने स्किन केयर रूटीन में इसको ऐड करना होगा एंड धीरे धीरे आपको डिफरेंस दिखेगा। तो इस टाइप से आपको अपने पूरे फेस पे इसको यूज करना है। इसको यूज करने के बाद काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है एंड मुझे तो बहुत पसंद आता है। तो इस तरीके से आपको पूरे फेस पे इसको यूज करना है एंड इसका जो शेप है ना ये बहुत अच्छा है, आपको अपने फेस कट के हिसाब से इसको यूज करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दी हूँ दोनों ही टूल्स बहुत अच्छे हैं एंड मुझे काफ़ी पसंद आया। That's it for today guys. I hope you like this video. If you like this video, don't forget the 3 steps: like, comment and share. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till the time, bye bye, take care, be safe, love you all.